बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें कुछ बागवानी लेके प्रभु का नाम। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। आज के इस क्वारंटाइन टाइम में जो हर कोई घर में बैठे हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एंड हाँ, अपने बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हम डिपेंड करते हैं कि कहाँ से आए क्या करें। तो आज मैं बताने जा रही हूँ जो घर में जो बेसिक है ऑलरेडी जो है उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करें वेरी इजीली। तो ये आज मैं बताने जा रही हूँ, ये अदरक जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है हर दिन अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। सो मैं इसे एक, जो भी है आपके पास घर में अदरक, उसे इस तरह से एक घास पे लपेट दीजिए। ये मैंने 10 दिन में रखा हुआ था, ये अदरक है। और मैं आपको बताऊं इसके कितने स्प्राउट्स आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 प्लांट्स हम उगा सकते हैं। और सबसे आसान, आज के दिन में हम अगर पानी में भी उगा सकते हैं, हमें कोई सनलाइट है या फिर बड़ा टेरेस या गार्डन, एकर्स ऑफ लैंड नहीं चाहिए। हम अगर अपार्टमेंट में भी हैं तो छोटे से जगह में, एक छोटे बालकनी में या फिर रूम में, छांव में भी हम अदरक एक ऐसी चीज़ है जो छांव में भी आती है। अदरक, हल्दी, मैंगो, जिंजर, काफ़ी सारे हैं जो हर्ब्स छांव में ग्रो होते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ आपको जो पानी में मैंने ग्रो किया है, ये देखिए कैसा है। इसी अदरक को यहाँ कट करके आप एक ग्लास पानी में डाल दीजिए, 2-3 दिन पानी चेंज करते रहिए, फिर इसमें रूट्स आ जाएंगे, फिर आप उसे पॉट में लगा दीजिए। तो ये है हमारा पूरा प्लांट, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ सादा पानी है। और ये हार्वेस्ट ऊपर से आप करते जा सकते हैं। और ये जो तैयार हो गई है, इसको भी आप फूल के अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिछले सप्ताह आधा किलो करीब निकाला था, अब रूट्स और निकल रहे हैं, शूट्स और निकल रहे हैं, नए प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो काफ़ी आसान तरीका है घर बैठे अदरक कैसे लगाएं, ये एक आसान तरीका है। नमस्ते।